ये कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, एरप होते हैं, और एरप होते हुए क्या करते हैं, लार्जर कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या होगा, द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बो ऑक्सालिक एसिड ऑफ कार्बोक्सालिक एसिड ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड कंबाइन by the elimination of water molecule to form peptide linkage. अब ये peptide linkage क्या होती है, इस हवाले से मैं आपको brief करूंगा। peptide linkage जिसको हम कहते हैं, और अगर हम पेप्टाइड लिंकेज की बात करते हैं तो हम एस इसको लिखते हैं, यानी कि हमारे पास होगा एन एच सी डबल ओ, और इस तरीके से ये हमारे पास है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको इस हवाले से यानी इसका रिएक्शन राइट करके दूंगा, यानी इस तरीके से जो है हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हमारा एसिड के कंबाइन होंगे, और कंबाइन होते हुए ये पेप्टाइड लिंकेज डेवलप करेंगे, एक लार्जर कंपाउंड की प्रिपरेशन करेंगे। तो दो आपके सामने पॉइंट मैंने राइट किए हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा हूं कि अमाइनो एसिड्स जो है वो कंबाइन होते हैं थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये कंडेंसेशन प्रोसेस है क्या, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने भी डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा, आपके चैप्टर 12 के अंदर हमने कंडेंसेशन प्रोसेस को डिस्कस किया था, एल्डिहाइड यानी अल्डोल कंडेंसेशन की बात की थी, कैरिजरो रिएक्शन की बात की थी हमने, उसमें डिस्कस किया था कि इस तरीके से मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होते हुए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करते हैं, जैसे वाटर हो सकता है, मेथनॉल हो सकता है, ठीक है, और उसके थ्रू क्या होता है कि दो कंबाइन होते हुए मॉलिक्यूल लार्जर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस है कि जिसके थ्रू जो है ये दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, प्रोटीन या पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडली तो हमारे पास क्या है कि अमाइनो ग्रुप्स जो है यानी किस तरीके से कोई एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कंबाइन होगा, किस तरीके से लिंकेज डेवलप होगी, वो इस तरह से होता है कि एक कंपाउंड जो है यानी एक अमाइनो एसिड जो है उसका एक अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और दूसरे जो अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है, ठीक है, ये आपस में कंबाइन होते हैं। इनके कंबाइन होने के बाद क्या होता है, इनके कंडेंस होने के बाद क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हुए ये दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो चुके होते हैं, और एक लार्जर कंपाउंड के लिए जिसको हम पेप्टाइड कहते हैं उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, और जो लिंकेज डेवलप होती है इसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने राइट किए हैं, उम्मीद है कि ये दो पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। इसको मैं रेज करते हुए क्योंकि हमारे पास स्पेस इतनी ही है, क्योंकि इसी के अंदर रहते मैंने आपको समझाना है, तो मैं इसको इरेज करूंगा और आपके सामने रिएक्शन राइट करूंगा कि जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा हूं और जिसके मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर हम वो रिएक्शन देख लेते हैं कि जिसके थ्रू जो है दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हुए फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम पेप्टाइड कहते हैं, और लिंकेज डेवलप होती है वो पेप्टाइड लिंकेज है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे और इसको इरेज करते हुए रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से होगा दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान। तो एक तो हमारे पास अमाइनो एसिड ये है आर सी एच ओ सी एच एन एच ओ एच, और सेकेंड अमाइनो ग्रुप जो है इसका मैं अमाइनो ग्रुप जो है यहां लिखूंगा ये दो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, इनको हम कंबाइन करना चाह रहे हैं। अब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और दूसरे का अमाइनो ग्रुप, ठीक है, ये क्या करेगा, ये कंडेंस होगा, ये कंबाइन करेगा अपने आप को किस तरीके से। देखिए आप ये बात जानते हैं कि अगर हम कार्बन ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये हाईली पोलर नेचर बॉन्ड है। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो इस बॉन्ड के टूटने के बाद क्या होगा कि कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हुए हाइड्रोक्सिल फॉर्म के अंदर रिमूव होगा। और अगर हम ये बॉन्ड तोड़ते हैं बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये भी पोलर नेचर बॉन्ड है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसलिए क्या होगा
कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड था ये पोलर नेचर की फॉर्म के थ्रू टूटेगा, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। अब ये हाइड्रोक्सिल और ये H+ आयन आपस में कंबाइन होंगे और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा, H2O एलिमिनेट कर जाएगा, इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को स्टिल करने के लिए इन बिटवीन नाइट्रोजन कार्बन ट्रांसफर होगा और यहां पर सिंगल बॉन्ड की डेवलपमेंट होगी। जो सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन नाइट्रोजन और कार्बन बनेगा इसको हम कहते हैं ये पेप्टाइड लिंकेज है। और फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, मैं अगर आपके सामने राइट कर दूं, RCHNH2 तो ये हमारे पास फाइनल पेप्टाइड बन चुका है। ये पेप्टाइड है और ये जो लिंकेज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एन अमाइनो ग्रुप है इसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये हमारे पास है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज और इसको ओवरऑल हम पेप्टाइड कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पेप्टाइड की, पेप्टाइड भी फिर डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। अब ये किस चीज पर बेस करता है कि कौन सा हम पेप्टाइड देख रहे हैं, कौन से पेप्टाइड की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन किस बेस पर होगी, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के जो कंबाइन हो रहे हैं इसकी बेस पर हम डिफरेंट पेप्टाइड्स की बात करते हैं, ठीक है। यानी पेप्टाइड हमारे पास डाइपेप्टाइड भी हो सकते हैं, ट्राइपेप्टाइड भी हो सकता है, ठीक है, टेट्रापेप्टाइड भी हो सकता है, इसके अलावा हम इसको इन जनरल पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। डाइपेप्टाइड और इन जनरल हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, अब डाइपेप्टाइड का मतलब क्या होगा, देखें इससे पहले मैंने लगा दिया है प्रीफिक्स डाई, डाई मींस टू, ठीक है। ऐसा पेप्टाइड के जिसमें दो अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे और इनके थ्रू एक नया पेप्टाइड जनरेट होगा, इस तरह के पेप्टाइड को हम डाइपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। वो पेप्टाइड के जो दो अमाइनो एसिड्स के कंबाइन होने से वजूद में आए, दो अमाइनो एसिड्स के कंबाइन होने से बने, ठीक है, इस तरह के पेप्टाइड को हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। ये हमारे पास है डाइपेप्टाइड, ठीक है, जिसमें क्या होगा टू अमाइनो एसिड्स जो है वो मौजूद होंगे, टू अमाइनो एसिड्स, ठीक है, दो अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। और ट्राई का मतलब सिंपली क्या होता है, देखें प्रीफिक्स मैंने लगा हुआ है ट्राई, ट्राई मींस थ्री होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पेप्टाइड के लिए, ऐसा पेप्टाइड के जिसमें थ्री अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद होंगे, ये तीन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कैरी करेगा। और पॉली का मतलब सिंपली क्या होता है, पॉली मींस मैनी होता है, तो ऐसा पेप्टाइड के जिसमें क्या हो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो है वो पेप्टाइड अमाइनो एसिड्स जो है वो कंबाइन होते हो और कंबाइन होने के बाद फाइनल पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हो, तो इसे हम पॉली पेप्टाइड कहते हैं। अब पॉली मींस मैनी है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि मैनी पेप्टाइड्स, मैनी अमाइनो एसिड्स, सॉरी मैनी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब ये कंफाइंड नहीं है, यानी हम इसमें ये नहीं कह रहे कि कितने हो सकते हैं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि मैनी पेप्टाइड्स आर कंबाइंड टुगेदर, सॉरी मैनी अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द लार्जर कंपाउंड व्हिच इज द पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंस आता है बिटवीन पेप्टाइड यानी पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के दरमियान के, पॉलीपेप्टाइड फिर कौन से होंगे और प्रोटीन्स कौन से होंगे। अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन की, तो हम ये बात जानते हैं कि प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं। बिल्डिंग ब्लॉक से मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी एक रूम की मैन्युफैक्चरिंग रूम को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें हमारे पास ब्रिक्स होती है कि जिसको हम रखते हैं और इसके थ्रू क्या होता है दीवार बनती है और उसके थ्रू फिर हम पूरा रूम बना लेते हैं। तो सेम वे में हमारे पास क्या है कि प्रोटीन्स जो हैं उनका जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसके थ्रू वो बनना है वो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड्स ने कंबाइन होना है इस पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू और अल्टीमेटली इतना इनफ लार्जर कंपाउंड बन जाएगा कि जिसको हम प्रोटीन कहेंगे। तो कौन से प्रोटीन होते हैं, कौन से सिंपल पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं कि वो तमाम के तमाम पेप्टाइड्स के जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 से लेसर होता है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम सिंपल पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। वो तमाम पेप्टाइड्स के जिनके अंदर मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 से एक्सीड कर जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, इनको हम प्रोटीन्स कहेंगे, प्रोटीन्स हमारे पास कहलाएंगे, ठीक है। तो सिंपल अगर हम यहाँ राइट करें, तो अगर जो हमारे पास 10,000 जो है उससे लेसर हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या होगा कि
10,000 जो है उससे एक्सीड कर जाएगी अमाउंट मॉलिक्यूलर वेट की, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं ये फॉर्म कर जाएंगे, प्रोटीन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक पॉइंट देखा जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन और पेप्टाइड में पॉलीपेप्टाइड में मेन डिफरेंस क्या हो सकता है और किस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट करवाते हैं, किस तरह की कंपाउंड को पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, किस तरह की कंपाउंड को हम proteins kahenge, to depending upon the number of monomers, depending upon the number of amino acids that combine together to form the larger compound, iske upar depend karta hai, molecular weight pe depend kar raha hota hai ki hum protein kahenge ya polypeptide jo hai isko hum kahenge. To ye tamam ke kaam discussion thi protein ke hawale se aur polypeptide ki simple peptide ke hawale se, पेप्टाइड लिंकेज के हवाले से, पेप्टाइड बनते किस तरीके से हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की हैं। इसी लेक्चर के अंदर हम अपना फाइनल पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर के हवाले से, और वो हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हम हाइड्रोलाइसिस के टॉपिक को भी इसी में ही जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और हाइड्रोलाइसिस देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर भी होंगे, ये रिएक्शन भी आपको समझ आया होगा और आपने इन तमाम पॉइंट्स को राइट डाउन भी किया होगा। तो मैं इसको रेज करता हूं ताकि फाइनल जो आगे पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं आपको समझा सकूं कि हाइड्रोलाइसिस क्या होती है और हम अगर प्रोटीन्स की या सिंपल पेप्टाइड्स की जो है वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसके हम क्या चीज जनरेट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की, तो पहले ये वर्ड मैं मेंशन कर दूं और उसके बाद फिर मैं जो है आपके सामने ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, अब इसका सिंपली मतलब क्या होता है, हाइड्रो मींस वाटर, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, ठीक है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करते हुए हम जब किसी कंपाउंड में ब्रेकेज करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर करते हुए ब्रेकेज का अमल होगा, इसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास पेप्टाइड बना और वो पेप्टाइड कुछ इस तरीके का था, ये हमारे पास पेप्टाइड था जो कि हमने प्रिपेयर किया और इसको हम सिंपल क्या कहेंगे, इसको हम डाइपेप्टाइड कहेंगे क्योंकि दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर की एडिशन करवाएंगे और इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हुए जो चीज हम गेट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, सिंपल मोनोमर की जिससे ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है, यानी जिस चीज को हमने लिया था इनिशियली तौर पर पेप्टाइड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए, यानी जो हमने अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन करवाए थे जिनके दरमियान हमने पेप्टाइड लिंकेज करवाई थी पेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, हम जस्ट सिंपल वाटर की एडिशन करेंगे इस तरह के पेप्टाइड के अंदर या उस तरह के प्रोटीन के अंदर, तो जो जो एसिड्स आपस में कंबाइन हुए थे, अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन हुए थे, वो वापस ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, अमाइनो एसिड की फॉर्म के अंदर आप रीटेक कर लेंगे, वापस गेन कर लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस मींस क्या होता है कि वाटर की एडिशन और वाटर की एडिशन के थ्रू पेप्टाइड लिंकेज का ब्रेकडाउन होना और वापस रीजनरेट होना मोनोमर्स का, रीजनरेट मतलब कि जो अमाइनो एसिड्स आपने इनिशियली इस्तेमाल किए थे इस पेप्टाइड को फॉर्म करने के लिए वापस उसका गेन होना, ठीक है, इसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। और जब भी आप प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करवाओगे या आप क्या करोगे, सिंपल किसी पेप्टाइड की डाई ट्राई पोली कुछ भी हो, ठीक है, उसकी आप वाटर की एडिशन करते हुए हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू जो चीज आप मेन गेट करोगे वो अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही मिलकर ये तमाम चीजें बनी थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, ये तमाम पॉइंट आपको समझ आए होंगे और ये चैप्टर जो है हमारा क्लोज हो चुका है। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब आऊंगा तो आपके सामने एक नया चैप्टर जो है स्टार्ट करूंगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर, ये हमारा सिलेबस का सेकंड लास्ट चैप्टर है और जल्दी ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके और आप रिविजन की तरफ को मूव कर सको। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके हवाले से आपके जहन में आता हो, कुछ आपने डिस्कस करना हो, कोई रेलेवेंट पॉइंट हो के जो आप चाहते हो मुझसे डिस्कस करना, वो मुझसे आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं जरूर जो है आपको उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे जा चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ अभी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।